दोस्तों वीवो इंडिया में लॉन्च कर दिया है वीवो T2 5G फोन को। यह काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और कुछ दिन पहले हाल ही में लॉन्च किया था आईको J7 5G फोन। ये दोनों फोन का बीच में बहुत ही बड़ा कंपटीशन होने वाला है। दोनों फोन सेम प्राइस पर लॉन्च किया गया है, तो आज मैं ये दोनों फोन का कंपेरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना सही रहेगा, अगर आप जानना चाहते तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर ये दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो सबसे पहले ये दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। दोनों फोन में जो डिस्प्ले दिया गया, डिस्प्ले में यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सेम डिस्प्ले दिया गया है, 6.38 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन में पांचोल देखने को नहीं मिलता है, एक यू शेप नॉच दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है। दोनों फोन का एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो दोनों फोन का डिस्प्ले में यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा, दोनों फोन में सेम डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो कैमरा में भी यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया, जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में दिया गया, साथ में वॉइस मिल जाते हैं। दोनों फोन में वॉइस दिया गया और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में सेल्फी कैमरा भी सेम दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच में सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोनों फोन का कैमरा में भी ये कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो परफॉर्मेंस में ये पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो आईको फोन है, आईको J7 फोन है, इसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया, ये काफी अच्छा बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.5 GHz क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो माली G68 MC4 जीपीयू मिल जाता है। ये 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर आधारित है। यहाँ पे बात करें तो वीवो T2 फोन, इसमें भी आपको जो क्वेलकम का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये भी थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, क्वेलकम स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये प्रोसेसर दिया गया इस फोन में। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो एड्रोनो 619 जीपीयू मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर भी 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर आधारित है। तो परफॉर्मेंस में ये पे क्लियर विनर बन जाता है आईको J7 5G फोन। इसमें परफॉर्मेंस आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा अगर कंपेयर करें तो वीवो T2 फोन से। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में OS यूजर इंटरफेस सेम देखने को मिल जाता है। दोनों फोन में एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, साथ में फोन टच OS दिया गया है। दोनों फोन का जो वारंटी है, वारंट का बात करें तो दोनों फोन में वारंट भी सेम दिया गया है। जो बेस्ट वारंट है 6 GB RAM 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जो हायर वारंट है 8 GB RAM 120 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में सेम बैटरी और सेम फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है। दोनों फोन में 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो दोनों फोन में 44 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। तो दोनों फोन में आपको सेम देखने को मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग और बैटरी पर यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो USB Type-C 2.0 दिया गया, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है, 3.5 mm ऑडियो जैक भी दिया गया। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में डुअल 5G सिम सपोर्ट मिल जाता है, दो 5G सिम एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और फेस अनलॉक भी दिया गया। बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन दिया गया, ग्लासी फिनिशिंग बैक मिल जाता है, काफी अच्छा बॉक्सी टाइप डिजाइन दिया गया। दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शानदार डिजाइन के साथ दोनों फोन आता है। डिजाइन पर यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा और कोई डिफरेंस भी यहाँ पे नहीं, ऑलमोस्ट सेम डिजाइन देखने को मिल जाता है दोनों फोन में। दोनों फोन में अलग अलग कलर चेंजिंग डिजाइन दिया गया है।
यहाँ पे काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन देखने को मिल जाता है। डिजाइन पर यहाँ पे कोई कम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा दोनों फोन में। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो दोनों फोन का जो बेस वारंटी का प्राइस आपको सेम देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो वारंट आता है, दोनों फोन का प्राइस है 18,999 रुपीज पर मिल जाएगा, 19,000 रुपीज पर दोनों फोन मिल जाएगा, सेम प्राइस पर दोनों फोन अवेलेबल है। और जो हायर वारंटी 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन में आपको 1,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो वीवो T2 फोन है इसमें इसका प्राइस है 20,999 रुपीज पर आता है 8GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और जो यहाँ पे आईको J7 फोन है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 19,999 रुपीज पर मिल जाएगा। तो 1,000 रुपीज कम प्राइस पर यहाँ पे मिल जाएगा आईको J7 5G फोन जो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और जो बेस्ट वारंटी सेम प्राइस पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन का कन्फ्यूज का, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए और क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन का। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का बात करें तो स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक ही चीज का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया वो है परफॉर्मेंस में यहाँ पे विनर बन जाता है जो आईको का फोन है आईको J7 फोन, इसमें परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे वीवो T2 फोन है इसमें परफॉर्मेंस आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जो क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया इसमें आपको इतना पावरफुल देखने को परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वीवो का जो आईको का फोन है जो मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर है, काफी पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज पर। तो यहाँ पर अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर विनर बन जाता है जो आईको का फोन है आईको J7 फोन। अगर आप इन दोनों फोन में से एक फोन परचेस करना चाह रहे हो तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा बेटर रहेगा आईको J7 5G फोन। दोनों फोन सही है इस प्राइस रेंज पर, बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। अगर आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर चाहिए, आप गेमिंग के लिए एक फोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं आईको J7 5G फोन की तरफ, नहीं तो आप यहाँ पर वीवो T2 फोन भी परचेस कर सकते हैं, ये भी बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। दोनों फोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो जो वीवो का फोन है ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा 18 अप्रैल से ये फोन का फास्ट सेल स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो जो आईको का फोन है आईको J7 5G फोन, ये फोन अमेजन पर अवेलेबल मिल जाएगा, अमेजन से परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों फोन में से एक फोन परचेस करने के लिए सोच रहे हो तो मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे जो आईको का फोन है ये फोन आप परचेस कर सकते हैं, इसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर देखने को मिल जाएगा और हायर वारंट पर 1,000 रुपीज कम प्राइस पर भी देखने को मिल जाएगा। ये फोन काफी अच्छा बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन आप परचेस करना चाहोगे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों खत्म करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो लग रहे हैं उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोग ऐसे ही मिलते रहे। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।